देखिए, रिसेंटली कुछ जानकारियां आई कि बैंकों में उनका अपना जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, और उसको लेकर के कहीं कहीं पर कुछ घटनाओं के बारे में भी जानकारी मिली अन्य ज़िलों में। उसको ध्यान में रखते हुए हमारे हर थाना क्षेत्र में एक अभियान के रूप में ये चेकिंग कराई जा रही है कि बैंकों का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें अलार्म काम कर रहा है या नहीं। यदि कोई बैंक में प्रवेश करता है और किसी को लगता है कि संदिग्ध व्यक्ति है, तो वो किस तरीके से सूचना पुलिस को उपलब्ध कराएगा, क्या वो अलार्म बजाने की स्थिति में है या नहीं, अलार्म बजाने की व्यवस्था भी है या नहीं है। इसके अलावा थाने के जो मुख्य अधिकारी हैं, थाना अधिकारी से लेकर के बीट कांस्टेबल तक, उनके नंबर था बैंक के कर्मचारियों के पास में है या नहीं, इन सब चीज़ों को चेक किया जा रहा है, जिसमें कई जगहों पर अलार्म बंद पाए गए उनको सही करवाया जा रहा है ताकि वो अलार्म जो है वो ठीक कंडीशंस में आ जाए। इसके अलावा बैंक के मैनेजर्स को भी बताया गया है कि विशेष ध्यान रखें, उनके यहाँ जो चौकीदार लगा है उसको भी सेंसिटाइज किया गया है कि वो अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखे। किसी भी ऐसे व्यक्ति को बैंक के आसपास आने पर वो तुरंत पुलिस को सूचना दे यदि उसे लगता है कि ये व्यक्ति संदिग्ध हो सकता है। सब किसी तरह के बैंक एटीएम ऐसे हैं जहाँ पर कार्ड नहीं होता? बिल्कुल सही बात है, वहाँ पर हमने बोला है जो कंसर्निंग बैंक के अधिकारी हैं उनसे कि कम से कम बैंक में तो एक ना एक गार्ड अवश्य होना चाहिए, जो ना सिर्फ वहाँ की व्यवस्था बनाए बल्कि एक सुरक्षा का माहौल उपलब्ध कराए लोगों को। जहाँ पर ऐसे गार्ड नहीं है वहाँ पर उनको अलार्म सिस्टम और स्ट्रॉन्ग करने के लिए बताया गया है। बाकी बैंक के अधिकारियों ने भी कहा है कि वो अपने उच्च अधिकारियों से बात करके गार्ड की व्यवस्था कराने की कोशिश करेंगे।